गाजियाबाद के इंद्रम के बड़े गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व यानी गुरु नानक की 550वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर गुरुद्वारे में डायलिसिस सेंटर खोला गया, जहां पर फ्री में डायलिसिस कराई जाएगी, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया। सभी हजारों श्रद्धालुओं ने माथा टेका और लंगर किया। प्रकाश पर्व के मौके पर हजारों लोग यहां पहुंचे और धर्मकर्म के कार्य को समाज सेवा से जोड़ते हुए गुरुद्वारे कई तरह की आधुनिक मेडिकल सुविधाएं शुरू करवाई गई, जिसमें डायलिसिस एंड होम्योपैथिक दवाओं का वितरण, साथ ही मेडिकल टेस्ट आदि की सुविधाओं की शुरुआत के साथ साथ पहला गुरुद्वारा बन गया, जहां पर धार्मिक सेवाओं के साथ साथ लोगों को फ्री में आधुनिक चिकित्सा मुहैया कराई जा रही है, और वह भी बिना किसी पैसे के। प्रकाश पर्व पर इस कार्य की शुरुआत के साथ साथ लोगों ने जमकर तारीफ की। वैसे भी आपको पहले भी मैं बता रहा था कि ये बात रियलिटी है कि कॉस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि नए नए टेस्ट आ गए हैं, नई नई दवाइयाँ आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और अनफॉर्चुनेटली वो टेक्नोलॉजी, वो दवाइयाँ हमारे देश में नहीं बनती हैं, वो बाहर बनती हैं, वहाँ से इम्पोर्ट होती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, सारी चीज़ें अगर देख लो, एक रेडिएशन की मशीन है, एक प्रोग्राम चलाने के लिए वो रेडिएशन मशीन ही 18 करोड़ रुपये की, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स, बट इफ यू लुक एट दी, अगर आप देखें कि फैसिलिटी इसी के किस दूसरी जगह किस कॉस्ट से मिलेगी, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में इसकी कॉस्ट 10 गुना से ज़्यादा है, तो 1/10 कॉस्ट पे वो चीज़ें मिल रही हैं बिकॉज हम इसी समाज का हिस्सा हैं, हम सभी मिलकर अपने समाज की सेवा करनी है। देखिए, इस पवित्र प्रकाश पर्व पर 550वां जयंती का साल है गुरु नानक देव जी का, और खासकर ये जो हमारा गुरुद्वारा है, ये सामाजिक कार्यों को बहुत करते हैं। पहले इन्होंने डिस्पेंसरी खोली जिसके अंदर मुफ्त ट्रीटमेंट करते हैं, आज उसके बाद इनका डेंटल सेंटर है, फिर एक डायलिसिस के लिए इन्होंने सेंटर खोला है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा किसी से नहीं लेंगे, समाज की सेवा करेंगे, और मेरा मानना है कि कोई भी धार्मिक संस्था अगर ऐसा करती है तो वास्तव के अंदर धर्म को भी बढ़ाती है और समाज की सेवा भी करती है।